समझ चल गई दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल सूरज के एक्सपेरिमेंट में। तो गाइस, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है सूरज के एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है। तो दोस्तों, आज के एक्सपेरिमेंट में हम लेके आए हैं ग्राउंड चक्कर। हाँ दोस्तों, हम घर पर ही होममेड ग्राउंड चक्कर बनाएंगे और इसकी ड्यूरेशन भी काफ़ी होगी दोस्तों, ये साधारण से ग्राउंड चक्कर के मुकाबले। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर लिखा है बिग MN जॉइंट्स। जो भी है दोस्तों, ये एक स्मॉल ग्राउंड चक्कर है। इसके मुकाबले हम जो बनाएंगे ग्राउंड चक्कर, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे इस टॉर्च की मदद से ग्राउंड चक्कर। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये टॉर्च रहते हैं दिवाली में, आसानी से मिल जाएंगे आपको। हमें भी ये काफ़ी कम कीमत में पड़ी है दोस्तों, 20 रुपीज़ का पूरा पैकेट मिला है। और ये ग्राउंड चक्कर हमें 30 रुपीज़ के 10 पीस पड़े थे। तो दोस्तों, इसके मुकाबले ये हमारी ज़्यादा देर चलेंगी और उसके मुकाबले प्राइस भी बहुत कम है। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। तो चलो दोस्तों, अभी एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो आप टॉर्च देख रहे हैं दोस्तों, इसका ये है फ्रंट हिस्सा और ये है बैक हिस्सा, जो आसानी से दब जाएगा। ऐसे करते ही ये दब जाएगा दोस्तों, तो आप समझ जाना कि ये बैक का हिस्सा है। तो यही से हमें इसको ऐसे धीरे धीरे मोड़ना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है दोस्तों, नहीं तो ये काम नहीं करेगी प्रॉपर और बीच में ही फट जाएंगी। और जब आपको लगे कि इसकी बारूद लग गई है, आपके हाथ को लगेगा ही दोस्तों कि इसकी बारूद, ये देखो यहाँ से अभी इतनी बारूद है दोस्तों, ये खाली पोर्शन है। तो यहाँ से जो बारूद है, इसे हमें बहुत ध्यान से मोड़ना है, इक्वल करना है दोस्तों सारी बारूद को पहले, फिर धीरे धीरे मोड़ना है। और ये एरिया को ज़्यादा नहीं मोड़ना है दोस्तों, बस इतना काफ़ी है। फिर इसे ऐसे मोड़ के ऐसा राउंड शेप दे देना है दोस्तों। बस इतना। ये होने के बाद दोस्तों, हमें ग्लू गन से इसे चिपकाना है। इस तरह ग्लू गन से इसे चिपका दीजिए। इसके बाद आप ऐसे अच्छे ग्राउंड चक्कर की ये नीचे का भाग निकाल के, हमने जो बनाई है ग्राउंड चक्कर, उसके नीचे लगाना है। आप देख सकते हो, ये है दोस्तों कंपनी की तरफ से आई हुई ग्राउंड चक्कर और ये है हमारी बनाई हुई ग्राउंड चक्कर। हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। लो जी भाई, हमारी ग्राउंड चक्कर बनके रेडी होगी। हम ऐसे एक और बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम करेंगे इसको टेस्ट, बाद में करेंगे हमारी ग्राउंड चक्कर को टेस्ट, ताकि आप डिसाइड कर सके कि कौन सी ज्यादा देर चलती है। तो चलो दोस्तों, अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब दोस्तों, हम हमारे बनाए हुए ग्राउंड चक्कर को टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हो, चल गई दोस्तों।